जय शंकर प्रसाद। बच्चों, क्या आपने हिंदी के कवि जय शंकर प्रसाद का नाम सुना है? जय शंकर प्रसाद हिंदी के कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। प्रसाद जी का जन्म 1890 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा काशी में क्वींस कॉलेज में हुई, किंतु बाद में घर पर ही इनकी शिक्षा पूरी हुई। प्रसाद असाधारण व्यक्तित्व के स्वामी थे। वह स्वभाव से शांत और गंभीर थे। प्रसाद का परिवार धार्मिक विचारों वाला था और इसका प्रभाव प्रसाद की रचनाओं में भी दिखता है। क्या आप जानते हैं कि आरंभ में प्रसाद अपने बड़े भाई से छिपाकर कविताएं लिखा करते थे? पहले वे कलाधर नाम से लिखते थे, परंतु बाद में उन्होंने प्रसाद नाम से लिखना शुरू कर दिया। प्रसाद अपनी रचनाओं के प्रति सदैव उत्साही रहते थे। उनके पुत्र ने लिखा है, कुछ देर तक मसालों और सुर्तियों का काम करते करते वे सहसा कलम पकड़ लेते और कामायनी की जिल्द में सहज ढंग से 10-20 छंद ढल जाते। बच्चों, एक बार उनसे आत्मकथा लिखने का अनुरोध किया गया। इसके जवाब में उन्होंने लिखा, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं? क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं? सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा? अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। उनकी रचनाओं में से कुछ हैं, आंसू, लहर, प्रेम पथिक, एक घूंट, कंकाल, आंधी और इरावती।